मित्रों नमस्कार, पुनः आपका संवाददाता सम्मेलन में अभिनंदन है। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी हैं। निरंतर इस विकास यात्रा के सहयात्री बनने के लिए जननेता बुद्धिजीवी पार्टी के साथ आगे आ रहे हैं। मतलब गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब पार्टी के साथ एकमत होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। उसी क्रम में उड़ीसा के केंद्रापारा से बीजू जनता दल के सांसद श्री अनुभव मोहंती जी माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय विनोद तावरे जी से कि श्री अनुभव मोहंती जी को पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय विनोद जी 19वें सांसद बने, एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उड़िया बंगाली फिल्मों में भी उन्होंने एक प्रख्यात अभिनेता की भूमिका निभाई है। आज भी वो काम कर रहे हैं और 2014 में राज्यसभा के बिन विरोध निर्वाचित सबसे कम उम्र के सांसद के नाते भी उन्होंने दायित्व संभाला। ऐसे युवा एक नेता अभिनेता आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। कल हमने दिल्ली में देखा कि इंडिया अलायंस की रैली में बड़े बड़े नेताओं को 2-3 मिनट होने के बाद तुरंत इशारा जाता था, चिट्ठी जाती थी और जैसे तैसे एक हम सब साथ है ये दिखाने का एक प्रयास कल की रैली में हुआ। लेकिन कई वीडियोस बाद में आपने भी देखे होंगे, अमन ने भी देखे कि भाई यहां किसी नेता ने लेके आया, किस लिए लाया, क्या लाया, कुछ पता नहीं। ऐसे बोलने वाले भी भीड़ में से कुछ सामान्य जनता वहां दिख रही थी और इसलिए एक बड़ा चढ़ाकर बहुत एक बलशाली विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ने वाले इस प्रकार का माहौल खड़ा करने का प्रयास तो हो रहा है लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है और यही दुख उन सब नेताओं के भाषण में बार बार व्यक्त किया गया। हारे हुए मानसिकता से सब विपक्ष का इकट्ठा हुए हमने देखे और उसी समय दूसरी तरफ इस भारत को विकसित देखने के लिए उत्सुक अनुभव जी जैसे कई लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं और अनुभव जी से अनुरोध भी करता हूं कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। सम्माननीय विनोद तावड़े जी, आपका मैं बहुत आभार हूं कि आपने मेरा परिचय इतने सुंदर शब्दों से आपने दिया और संजय मायूख जी को भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि जिन नेता के साथ मुझे काम करने का अवसर 11 साल के लिए मिला उनके नेतृत्व में मुझे भारत के राज्यसभा के सर्वकनिष्ठ सांसद होने का मौका मुझे मिला था और मैंने पूरी मेहनत से और कोशिश की थी कि एक काम चीज भी कहा जाता है कि कलाकार राजनीति शायद कर नहीं सकते पर उस चीज से मुझे बहुत चिढ़ होती थी इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके पहले सेशन से लेकर हमेशा मैंने हर चीज में पार्टिसिपेट करने का पूरी कोशिश किया था और देश के विकास के लिए हमने जब भी मोदी जी के नेतृत्व में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी अच्छे बिल या एक्ट जो भी लाए थे हमने उसका समर्थन किया था और राज्यसभा के बाद मुझे लोकसभा के केंद्रापड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने का मौका मिला और तब भी ये जो पिछले 5 साल मेरे लिए रहे ये एक सीखने का एक बहुत बड़ा दौर था मेरे लिए। कई चीजों का सामना किया, कई ऐतिहासिक बिलों को पास होते हुए देखा, जैसे बिल्स जो जैसे धारा 370 का हटना हुआ, 3 तलाक की बात कर ले या जो आजादी से पहले के जो बने नियम थे जो रूल्स आईपीसी उसके उठने का और बीएनएस वगैरह आने का, ये हमारे स्वदेशी कानून लागू हुए, तो ऐसे ऐतिहासिक चीजों को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और एक युवा होने के नाते मैं चाहूंगा कि देश के हर एक युवा
को इस जोश में, इस उम्मीद से इस परिवार में शामिल होना चाहिए ताकि हम देश को बहुत आगे और लेके चले और देश के लिए अच्छा काम करे। युवा जब चाहे और ऐसे जब एक्सपीरियंस गुरुजन हमारे हैं उनके उपदेश से, उनके निर्देश से हम अच्छा काम अगर करने की कोशिश करें कम से कम, तो देश में बहुत बदलाव आएगा और आगे चल के मुझे यकीन है आने वाले 5-10 सालों में भारत पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा। तो मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खुशी से मैं आप सबका आप सबको मेरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा, प्रणाम देना चाहूंगा। भगवान करे कि आगे चल के हम सब अच्छा काम करें और देश के लिए काम करें। देश से बड़ा या मातृभूमि से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आज के दिन के लिए मैं अपने माता पिता को, मेरे परिवार को, मेरा छोटा भाई भी यहां पर मौजूद है मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे वोटर्स, मेरे समर्थक, मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।